नमस्कार दोस्तों बिहार में नौकरी की बहुछार होने वाले है आपको बताते चले कि हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग लिया गया और जिसमें इकतीस एजेंडों पे मुहर लगा और ये एजेंडे में खास करके सीजीएल फोर को लेकर भी बातें कही गई और सीजीएल फोर कहीं ना कहीं आपको डेढ़ से दो महीनों में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा और आपको बताया चले इस बार जो है कहीं ना कहीं बाईस से लेकर पच्चीस सौ कहन के वैकेंसी इससे ज्यादा ही आएगा मगर मिनिमम मान लेना की दो हजार कहन का वेकेंसी रहने वाला है तो आप सभी को तैयारी में लग जाना है चलिए विशाल पूर्वक आप लोगों को मैं वीडियो में बताता हूँ आप बताने वाले है जो आपको नोटिस आया है कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है तो कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या मुहर लगा है यानी कि बिहार में नौकरी की बौछार होने वाला है और उसी कड़ी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मैं बात करूंगा पूरा विस्तार पूर्वक आप लोग को बताने वाला हूँ देख लो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो एक तीस एजेंडो की मंजूरी मिला और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ था जहाँ पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी वहां पे उपस्थित हुए साथ में अगर बात किया जाए यहाँ पर दो देखो ये सबसे बड़ी जो है कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृषि विभाग के तहत बिहार उद्यान सेवा यानी कि कृषि कोटी सेवन के अंतर्गत तमो क एवं ख के पदों का सृजन किया जाएगा और साथ में बोला जा रहा है कि कृषि विभाग के तहत बिहार कृषि सेवा कोटी नाइन के समूह क और ख के लिए पदों का सृजन यानी कि यह बिहार एस के तहत जो सीजीएल की वैकेंसी आती है भाई सीजीएल की जो वैकेंसी है उसका इंडिकेशन कर रहा है कि जो क जो क होता है भाई ये बिहार कृषि सेवा में क का, का जो पोर्स होता है ये बीपीएससी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं होता है और साथ में ख वाला जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार एस का सीजीएल के लिए सीजीएल फोर्थ के लिए यानी कि ये तो बोला गया अब देखो मीटिंग होगा तभी तो बातों को रखा जाएगा कृषि विभाग में कहीं न कहीं जो बहालियां होती है वो बिहार एस एस के तहत ही होती है और कुछ बीपीएससी के तहत होते हैं जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बीपीएससी के तहत और बाकी छोटे अधिकारी जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं जो फोर्टी नाइन के तहत होते हैं जो की सी फोर्थ के तहत तो यहाँ पर दो चीजें बोला गया ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है कि आपको बिहार एस का सीजीएल फोर्थ का वैकेंसी जल्द आने वाला है और आपको मैं बता दूं यहां पर एक आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दूं कि लगभग में बोला जा रहा है कि ढाई सौ सीट कहीं न कहीं यानी कि देखो मिनिमम तो दो हजार आना तय है भाई दो हजार से पच्चीस सौ कहीं न कहीं सीट आप लोग को देखने को मिलेगा अब देखो सीटें कम है जहां आप देखोगे बिहार एनएससी का इंटर लेवल में बारह बहाली था यहाँ पे आपको मात्र देखने को मिलता है कितना ये पच्चीस के लगभग में दो हजार के लमसम में आएगा तो यानी कि सीट कम है तो कटअप स्वा ज्यादा होगा यहाँ पे जो है बिहार के तहत सीजीएल का वैकेंसी होता है मैथ और तो बहुत अच्छा से आपको कमांड करना होगा अभी से मेहनत करिए ऐसा बोला जा रहा है कि अगले दो से तीन महीना में कहीं ना कहीं आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा यानी कि अक्टूबर नवंबर में कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आ जाएगा देखो तो हम लोग भी एक अंदाजा लगा रहे हैं आप लोग को तैयारी में लगे रहना है तैयारी करते रहना है और ये थोड़ा सा आसान होता है कि इसमें पीटी और देखने को मिलेगा सीजीएल फोर में आपको केवल पीटी और मेन ही देखने को मिलेगा सीटे कम है तो भाई कटअप ज्यादा अब देखो अगर बात करें ये ऐसा पोस्ट होता है ना जिसमें सैलरी भरा पड़ा मिलेगा यानी कि एक मिनी आई के तौर पर आपको फील होगा आपको सत्तर से अस्सी हजार पेमेंट कहीं ना कहीं आपको बिहार वाले को मिलता है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए जबरदस्त जब जब तैयारी करिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको मैं बता दूं आपको जल्द ही बिहार एस सीजीएल फोर्थ के लिए भी ढेर सारे क्लासेज आप लोग को मिलने वाला है जैसे ही बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बिहार एस में हम लोग लगेंगे और धुआधार क्लासेज करेंगे तो देखो ये और भी चीजों पर बात किया गया यहाँ पे और कौन कौन सा चीजें पर तो देखो स्वास्थ्य विभाग के तहत तो बोला जा रहा है कि लगभग सात पदों पर जो है ये कहीं ना कहीं तरह तरह का होंगे जिसमें आपको दंत चिकित्सक दांत का डॉक्टर हो यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बिहार में इन दिनों आने वाले एक सालों में वेकेंसी ताबड़तोड़ आने वाला है आपको अपने तैयारी को मजबूत रखना है कहीं ना कहीं से आपको जो है वहां पे जो है चले जाना है आपको सेट हो जाना है इसके अलावा बिहार मध्य ने उत्पाद में एक ही पद के लिए है मगर ये जो है सहरसा न्यायमंडल में बोला जा रहा है इसके अलावा बोला जा रहा है कि तैतीस संविदा आधारित पदों पर जो है आपको खेल विभाग के तहत तो बोला जा रहा है साथ में चार पदों के लिए सृजित किया गया है ये खेल विभाग में और भी कुछ पदे है जिस पर बातें किया गया जिसमें देखो बोला गया है लिपिक के संबंधित या आंशु टंकंक है उनके लिए भी बहाली है साथ में न के कुल सड़सठ अतिरिक्त पदों पे यानी कि ये पद आपको देखने को मिलेंगे बिहार में इन दिनों जो है नौकरियों को लेकर जो है हमेशा से जो कहा गया है नीतीश कुमार का सपना है कि भाई मगर उसको पूरा कर दीजिए माननीय आप देख लो बिहार पुलिस का इतना लंबित है मगर अब जो है हमें उम्मीद है कि ये सब चीजें जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा क्योंकि बारह सौ पचहत्तर दरोगा का देखो सेट हो गया सबका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो ये बिहार सीजीएल का जब आएगा दो में किसी तरह से ज्वाइन करवा देगा तो आप लोग अभी से लगे रहिए और इसके अलावा जो है आपको वाहन चालक के तीन अतिरिक्त पदों पे और इसके अलावा जो बिहार के जाने माने उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं महान खिलाड़ी हैं उनको सीधे नियुक्ति किया जाएगा तो ये अभी तक का महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए कि बिहार एस एस सी के लिए कैबिनेट मीटिंग में लग गया मुहर कैसे तो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया हूं कि कृषि विभाग में जो है जो क का और ख का जो पोस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हाईर लेवल का उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग का अभी तक था और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद बिहार योद्धा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद